मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले हिंदी व्याकरण के वीडियो में हमने शुरू किया था संज्ञा के विकार लिंग, जो कि आपका था अध्याय नंबर 5। आज हम स्टार्ट करेंगे 6वां अध्याय, जिसका नाम है वचन। तो पिछले अध्याय में, मतलब अध्याय 5वें में, संज्ञा के विकार के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि संज्ञा के 3 प्रकार के विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो हमने उस वक्त लिंग के बारे में समझा था। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम उसका दूसरा विकार, मतलब वचन, के बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये वचन है क्या। वचन को हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, है ना, या संख्याएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वचन को समझना। चलिए पहला पैराग्राफ देखिए। हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं जो संख्या में एक या एक से अधिक, ठीक है, या अनेक दिखाई देती हैं। इन संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। इसको और सरल शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो, अगर कोई वस्तु एक है, ठीक है, सिंगल कोई वस्तु है, ठीक, तो जो है कि उसे हम उसे भी वचन के अंतर्गत में लेते हैं। और अगर कोई एक से अधिक या अनेक है, 5 हो, 10 हो, या कितनी भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे भी वचन के अंतर्गत में ही लेते हैं। लेकिन अगर कोई एक वस्तु है, तब हम उसे बोलते हैं एक वचन। एक वस्तु मतलब एक वचन। एक से अधिक अगर कोई वस्तु है, उसे हम बोलते हैं बहुवचन, ठीक है। तो एक चीज़ के लिए हम एक वचन, और जो है कि एक से अधिक चीज़ों के लिए बहुवचन। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं कि, जैसे ये आप पहला चित्र देखिए, यहाँ कितने लोग हैं, एक लोग बैठे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लड़की किताब पढ़ रही है। तो ये कौन सा वचन है, क्योंकि एक व्यक्ति है यहाँ पे, एक लड़की है, तो एक वचन है। दूसरा चित्र देखिए, लड़कियाँ किताब पढ़ रही हैं, यहाँ कितने लोग हैं, 1, 2, 3 लोग हैं, तो क्योंकि एक से अधिक हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बहुवचन। इसी तरह से अगली फ़ोटो में एक घोड़ा है, तो एक वचन है, एक से अधिक। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ 3 ही हो, एक से अधिक 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, तो ये बहुवचन के अंतर्गत में आएगा। तो ये सरल सी परिभाषा है, एक वचन और बहुवचन। तो इसकी परिभाषा क्या कहलाएगी, वचन की, वचन की परिभाषा देखिए, आपको ये नीचे देखने को मिल जाएगी, है ना, कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या, अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो, बोध का मतलब है जानकारी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला आता है वचन के भेद, ठीक है। वचन के 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पर ये जो भेद है, भेद का मतलब होता है प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसका पहला प्रकार है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो उसकी परिभाषा भी देख लीजिए। एक वचन और बहुवचन की परिभाषा क्या है, एक वचन, है ना, एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु, पदार्थ या प्राणी के होने का बोध हो, बोध का मतलब है जानकारी हो, तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, घड़ी यहाँ एक ही है ना, तो इसे एक वचन कहेंगे। अगर यहाँ 2 घड़ी होती तो उसको पहले तो घड़ियाँ बोलते और तब वो बहुवचन हो जाता। उसी तरह से चाबी और उसी तरह से माला, चाबी 2 होती तो चाबियाँ हो जाता, बहुवचन हो जाता, अभी ये चाबी एक वचन है। माला, मालाएँ हो जाता और वो बहुवचन हो जाता, लेकिन अभी सिंगल माला है, तो ये एक वचन के अंतर्गत में गिना जाएगा। देखिए एक वचन की परिभाषा को देखा, अब इसकी जो अगली जो परिभाषा है वो है बहुवचन, ठीक है। बहु का मतलब होता है एक से अधिक,
तो संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों का होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए घड़ियाँ, चाबियाँ, मालाएँ, ठीक है। तो क्योंकि ये एक से अधिक हैं इसीलिए हम इनको बोलेंगे बहुवचन, ठीक है। अब यहाँ आगे देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि एक वचन से बहुवचन किस तरह से मात्राओं को, है ना, या कुछ अक्षर लगाकर बदले जाते हैं। तो जैसे देखिए कुछ उदाहरण हैं, एक वचन जैसे सड़क है तो एक ही मात्रा लग गई, अ से एक ही मात्रा लग गई तो सड़क का हो गया सड़कें, सड़क एक वचन, सड़कें बहुवचन। उसी तरह से बहन, रात, पतंग, ठीक है, आँख, पेंसिल, पुस्तक, बात। तो अ की जगह अगर ए लगाएं तो अ हो गया एक वचन, ए हो गया बहुवचन, ठीक है। अगला, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर, छाता आ है, छाते ए है। छाता का मतलब एक छाता यानी एक वचन, छाते का मतलब एक से अधिक छाता, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में ई हो, बड़ी ई हो, और उस वह ई में बदले तो किस तरह से एक वचन से बहुवचन में बदलाव होता है। जैसे मान लीजिए एक वचन में हम तितली बोलते हैं, तो अगर तितलियां बोला गया, ठीक है, तो तितलियां बहुवचन हो जाएगा। उसी तरह से गाड़ी, पहाड़ी, टोपी, इस जैसे कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो इन उदाहरणों को आपको याद रखना है कि और याद रखते हुए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर यह शब्द है कौन सा, ठीक है, एक वचन है या बहुवचन है। तो इस तरह से वचन एक छोटा सा पार्ट था, ये आज समाप्त होता है। केवल आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक वचन की परिभाषा, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण कि यह कितने प्रकार के होते हैं, और उन प्रकारों की परिभाषा मतलब एक वचन और बहुवचन की परिभाषाएँ आपको याद रखनी है, और कुछ शब्द आपको याद रखने हैं एक वचन के और बहुवचन के, ठीक है। और उसको सामान्य रूप से याद करिएगा, अगर कोई वस्तु एक है, वस्तु हो या इंसान हो, ठीक है, एक है तो एक वचन है, एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। तो आज समाप्त होता है संज्ञा के जो विकार थे उसका दूसरा पार्ट, मतलब वचन। अब अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कारक, ठीक है। तो ध्यान रखिए, उसको याद रखिएगा। धन्यवाद।